हेलो दोस्तों, मेरा नाम गौरव है। वेलकम टू लॉजिक क्यूज। और अब आगे बढ़ते हैं अपने HTML ट्यूटोरियल पे। ठीक है, अब तक हम लोगों ने जो पेज बनाया था HTML का, वो कुछ ऐसा था। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा कि हम लोग हेडिंग्स और पैराग्राफ का कैसे यूज करते हैं। अब इस ट्यूटोरियल में मैं दो चीजें सिखाने जा रहा हूँ, एक है इमेज और दूसरा है लिंक्स। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे लिंक्स से। तो ये हमारा कोड था। क्लियर है? मैं इन दोनों फाइल को बंद कर देता हूँ। अब हम लोगों ने जो चेंजेस किए थे वो चेंजेस यहाँ थे। ठीक है, ये हमने हेडिंग देखा था और पैराग्राफ। अब मैं इन दोनों को यहाँ से हटा देता हूँ और मैं एक जनरल हेडिंग डाल देता हूँ। ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स HTML5 ट्यूटोरियल। ये मेरा हेडिंग हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? सबसे पहले मैं बात करूंगा लिंक्स की। तो अब मैं जस्ट नोटिफाई कर दे रहा हूँ कि मैं अब लिंक्स के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं लिंक्स की। अब लिंक्स कैसे सेट करने हैं? ओके, राइट। तो लिंक्स मुझे क्या करने हैं? मान लीजिए अभी मेरे पास सिर्फ एक पेज है। ठीक है, index.php। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो ऐसे और चार पेजेस बना देता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने बात किया था कि हम लोग पांच पेजेस पे वर्क करेंगे। ठीक है, तो मैं इसी स्क्रिप्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे पेजेस में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ और कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो about.html, ठीक है, Ctrl+N Ctrl+V। ये मेरा होगा download.html, HTML, Ctrl+C Ctrl+N Ctrl+V। ये अबाउट हो गया, डाउनलोड हो गया, और मुझे क्या चाहिए, service.html। और एक और पेज मैं लेता हूँ Ctrl+V, और इसको मैं लिख देता हूँ Ctrl+S contact.html। ठीक है, तो अब मेरे पास ये चार पेजेस हो गए। और मुझे क्या करना है, मुझे अपने पेजेस में एक ऐसी लिंक बनानी है जहां से मैं इन किसी भी पेज में अपने आप को रीडायरेक्ट कर सकूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जाता हूं और यहां पे चेंज कर देता हूं। क्या अबाउट अस, सिमिलरली यहां जाता हूं और इसे चेंज करता हूं, गेट फ्री डाउनलोड्स, service.html में जाता हूँ, सर्विसेस, एंड फाइनली कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, अब देखिए ये एकदम ये बेसिक HTML है। इसमें कुछ मतलब इसमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते HTML5 और HTML, ये एकदम बेसिक HTML है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपने लिए लिंक्स बनाता हूँ। ठीक है, तो लिंक बनाने के लिए हम लोग जो टैग यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एंकर टैग। ठीक है, और इस एंकर टैग में हम लोगों को फिर देना पड़ता है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस मैंने बताया हुआ है क्या होता है, कि ये हमें रिफर करता है कि किस पेज को किस पर्टिकुलर फाइल को हमको रीच करना है। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अबाउट अस, about.html। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ अबाउट अस एंड एंकर टैग क्लोज। ठीक है, तो अब ये एंकर टैग क्या कर रहा है, ये एंकर टैग मुझे इस अबाउट अस पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। तो ऐसे ही मैं चारों लिंक बना लेता हूँ, और ऊपर एक्चुअली मैं एक और लिंक बना लेता हूँ होम। ठीक है, डाउनलोड सर्विसेज एंड कॉन्टैक्ट, तो इंडेक्स डाउनलोड सर्विसेस, डाउनलोड जो है वो स्मॉल में है, वो कैप्स में नहीं है, एंड फाइनली कॉन्टैक्ट। ठीक है, यहाँ पे चेंज कर देते हैं डाउनलोड सर्विसेस और यहाँ के कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लिंक क्रिएट कर लिया। अब
ये लिंक्स जो हैं मैं आपको शो कर देता हूँ, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद हमारे पास यहाँ पे लिंक्स हैं होम, ठीक है। ये आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि जब भी मैं होम पे क्लिक कर रहा हूँ ये क्या हो रहा है, ये न्यू टैब में खुल रहा है। ये क्यों खुल रहा है, आपने जो सेकंड हेड के ट्यूटोरियल में देखा होगा कि मैंने आपको बताया था बेस, ये बेस टैग है ना। तो ये बेस टैग बोलता है कि जब भी ये पेज कॉल हो क्या हो, एक ब्लैंक पेज में खुले, एक न्यू टैब में ये खुले, इसलिए ये हमेशा न्यू पेज में खुल रहा है, ठीक है। अगर मैं इसे कमेंट करता हूँ आपको दिखा दूँ तो क्या होगा, तो फिर ये ऐसा नहीं होगा। इसे रिफ्रेश कर लें ज़रा, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर वो उसी पेज में खुलेगा, न्यू पेज में नहीं खुलेगा, क्लियर है। फिर अबाउट अस में क्लिक करें तो आप देख सकते हैं अबाउट अस में आ गए। सिमिलरली डाउनलोड्स सर्विसेज, ओके, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, राइट। ये जो है ये सर्विस डॉट एच टी एम एल है, सर्विसेज नहीं है। सो सर्विसेज एंड सिमिलरली कॉन्टैक्ट, क्लियर है। तो ये इस तरह से हम क्या देखते हैं, इस तरीके से हम किसी भी चीज़ को लिंक करते हैं। आप किसी भी चीज़ को अगर लिंक करना हो, आपको अगर किसी हेडिंग के अंदर या फिर पैराग्राफ के अंदर कहीं भी कोई भी चीज़ लिंक करनी हो, तो हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से अपने चीज़ों को डिफाइन करेंगे, इस तरीके से इसे दूसरे पेज में लिंक करेंगे, ठीक है। आप इसे ऑल्ट भी दे सकते हैं, ऑल्ट टैग, अगर ये लिंक नहीं हो तो क्या दिखाए, ठीक है। तो इट इज़ ये जस्ट आपके प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। सिमिलरली और दूसरी चीज़ आप एक ध्यान दीजिए कि कभी भी जब आप लोग आप वेबसाइट बनाते हैं तो ये मुझे बार बार बैक दबाना पड़ रहा है, जबकि मुझे हर जगह ये लिंक्स चाहिए होंगे। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इन चीज़ों को कॉपी करता हूँ और हर पेज में पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हर पेज में मेरे पास ये नेविगेशन रहेगा और मैं कहीं से भी कुछ कहीं से भी सारी चीज़ को रिडायरेक्ट कर सकता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि होम अबाउट अस, अब ये अबाउट अस है, ये डाउनलोड है, ये सर्विसेज है और ये कॉन्टैक्ट्स है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अपने लिंक्स का यूज़ करते हैं कि किस तरीके से हमें एक जगह से दूसरी जगह पे लिंक पास करनी है, क्लियर है। दूसरी चीज़ जो मैं बात करने वाला हूँ वो हमें एक इमेज पुट करने वाले हैं। तो हम होम में चलते हैं, होम में मुझे एक इमेज पुट करना है, तो सबसे पहले मैं एक इमेज सेट कर लेता हूँ। डाउनलोड्स में मैं चेक करता हूँ कि मेरे पास कोई पिक्चर है क्या, ओके मेरे पास ये एनिमल हीरोज़ का पिक्चर है, कंट्रोल सी, मैं इसे अपने फाइल में कॉपी कर लेता हूँ और इमेज का फोल्डर बना के रखे हमने, वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, है ना। तो ये मेरे पास एक इमेज है, क्लियर है। मैं इसका नाम बड़ा अंदा है तो मैं इसको बड़ा है तो मैं इसे चेंज कर लेता हूँ, और ये एक जेपेग फाइल है, क्लियर है। तो अब मैं इसे, अब मुझे इसको अपने पेज में शो करना है, कहाँ पे शो करना है इसे, इस पर्टिकुलर जगह पे शो करना है ना। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इमेज के लिए मुझे एक आईएनजी टैग लिखनी पड़ती है और अपने सोर्स का एड्रेस बताना पड़ता है कि कहाँ पे है सोर्स। तो सिमिलरली जैसे हम लोगों ने नेविगेट किया था, हम नेविगेट करेंगे इमेज, उसके बाद बर्ड डॉट जेपीईजी, ठीक है। जस्ट इस तरह से क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे इमेज आ जाएगी। आप रिफ्रेश कीजिए, ओके कुछ प्रॉब्लम है, यस इमेज सोर्स वर्ड डॉट जेपीईजी, ठीक है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे आपके पास जो इमेज थी वो आ गई, बट अगेन मैं बता दूं कि अब इमेज के साथ में आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी कि जिस तरह इस इमेज का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। तो अब मैं बताऊंगा कि किस तरह के हम लिंक्स के अंदर, हम टैग्स के अंदर ही चीज़ों का स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप चाहते तो डायरेक्टली विड्थ का यूज़ करके, विड्थ इक्वल्स टू 320px मान लीजिए, कोलन्स के अंदर लिखें, ठीक है, और फिर से रिफ्रेश करो तो ये सेट हो जाता है। बट बेटर ये है कि हम इसे क्या करें, हम इसे स्टाइल का यूज़ करके करें, क्यों, यही डिफरेंस है हमारे HTML और HTML5 के बीच में कि हम लोग डायरेक्टली यहाँ से स्टाइल का यूज़ करके इसे डिफाइन कर सकते हैं। तो स्टाइल का यूज़ करते हैं हम लोग, इस तरीके से टैग्स के अंदर स्टाइल लिखते हैं, स्टाइल, अब इसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं विड्थ और उसके बाद उसकी वैल्यू देते हैं।
So that is 320px. ठीक है, अब मैं इसे रिफ्रेश करूं. ओके राइट, तो अब जो भी चाहे, अब मान लीजिए कि आपको इसके पीछे एक बॉर्डर देना है, एक बॉर्डर लगाना है. ठीक है, तो उसके लिए हम देखते हैं बॉर्डर 1px सॉलिड, या फिर जस्ट 1px सॉलिड एंड FFF. ठीक है, तो उसके अक्रॉस एक बॉर्डर आ गई है, ये व्हाइट कलर मैंने दिया है, तो मैं इसे ब्लैक कर देता हूँ तो आपको विजिबल हो जाएगा. ठीक है, तो ये एक बॉर्डर आ गई है. अब और भी प्रॉपर्टीज हैं बहुत सारी, लाइक बॉक्स शेडो, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है. शेडो दैट इज नथिंग बट 1px एंड फाइनली इट इज 333. ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे एक शेडो आ गई है ना. तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, हम ग्राफिक्स को भी बहुत ज़्यादा तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं. आप खुद से चाहें तो HTML5 में शेप्स बना सकते हैं और बहुत सारे कर सकते हैं, लेकिन हम अब यहाँ पे इमेज की बात करे थे और इस तरह से हम किसी भी इमेज को लिंक करते हैं. क्लियर है, और इतना ही नहीं, आप इस इमेज को भी लिंक कर सकते हैं. ठीक है, आपको ये फ्रीडम है कि आप किसी भी चीज को लिंक कर सकते हैं अपने कंटेंट के अंदर. तो इमेज को अगर आपको लिंक करना हो तो क्या होगा, अगेन हम एक एंकर टैग लगाएंगे, HRF रेफरेंस डालेंगे, और जिस भी पेज में हमें लिंक करना हो, मान लीजिए कि मुझे contact.html में लिंक करना है इसे. ठीक है, उसके बाद हम अपना एंकर टैग क्लोज कर लेते हैं और फिर से सेव कर लीजिए. अब आप देख सकते हैं कि जैसे मैं इस पर पॉइंटर लाऊंगा, ठीक है, मेरा कर्सर जो है वो चेंज हो जा रहा है और इस पर क्लिक करने के बाद मैं कॉन्टेक्ट पेज में चला जा रहा हूँ. तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इमेज और लिंक्स का यूज करते हैं अपने HTML के अंदर, है ना. अब इन चीज़ों का यूज करके आप किसी भी चीज के थ्रू एक चीज से दूसरी चीज में रिडायरेक्ट कर सकते हैं, कोई भी इमेजेस दिखा सकते हैं. ये सिर्फ JPEG नहीं, आप PNG इमेजेस डाल सकते हैं, आप GIF इमेज डाल सकते हैं, या फिर और डिफरेंट टाइप के WBM डाल सकते हैं. ठीक है, तो बस इस लेक्चर के लिए इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और एलिमेंट्स पढ़ेंगे और टैग्स पढ़ेंगे. ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें. कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं कमेंट सेक्शन चेक करता रहता हूँ. और सब्सक्राइब करें तो आप और आगे के कंटिन्यूस लेक्चर्स पढ़ पाएंगे.